होगा, ध्यान देना। मिस्टर एक्स गुड्स सोल्ड करता है मिस्टर वाई को, ठीक है, मिस्टर एक्स गुड्स सोल्ड करता है मिस्टर वाई को क्रेडिट पे 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो मिस्टर एक्स कौन है? सेलर है। कौन है? सेलर, बिजनेसमैन है। मिस्टर एक्स कौन है? आपका सेलर है। और मिस्टर वाई कौन है? बायर। ये समझ आया पहले कि मिस्टर एक्स जब गुड सोल्ड कर रहा है मिस्टर वाई को, इसका मतलब मिस्टर एक्स कौन है? सेलर है। और मिस्टर वाई परचेज कर रहे हैं, तो मिस्टर वाई क्या है? बायर है। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 1,00,000 रुपए का उधारी में गुड सेल किया। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 1,00,000 रुपए का गुड्स उधारी में सेल किया। ये समझ आ रहा है? उधारी में मतलब उससे वाई से मिस्टर एक्स को पैसा लेना बाकी है अभी, ठीक है। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को पैसा देना है। कौन देगा पैसा यहां? मिस्टर वाई देगा किसको? मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर वाई ना मिस्टर एक्स को बोलेगा वो मेरा क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। मेरे को उसको अभी पेमेंट करना है, वो मेरा क्रेडिटर है। समझ पाए किसको बोलते हैं क्रेडिटर? क्रेडिटर मतलब वो होता है कि जिस बंदे को हमको पैसा देना है, हमको पैसा देना है जिस बंदे को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। मतलब मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स कौन बन गया? क्रेडिटर। बायर के लिए सेलर क्या बना? क्रेडिटर। बायर है ना मिस्टर वाई, मिस्टर वाई बायर है, तो मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स क्या बना? क्रेडिटर है ना। तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसा लेना है, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसा लेना है, यही तो हो रहा है ना। सेलर को बायर से पैसा लेना है। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर, ठीक है। इसको डेप्टर पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, डेटर बोला जाता है। तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या कहलाएगा? डेटर। तो मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। अब आप लोग क्रेडिटर और डेटर बस सुनते हो, अब आपको ये समझ आना चाहिए कि किसको क्रेडिटर बोलेंगे और किसको डेटर। ये समझ आया? डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, जिसको हमने उधारी में सामान सेल किया होगा और उससे पैसा लेना बचा, वो मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। जिसको मैं सामान उधारी में जिससे मैंने परचेस किया है उस बंदे को पैसा देना है, तो मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। अब समझ आया किसको डेटर क्रेडिटर बोलते हैं? क्लियर है? अब कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, डेटर क्या और क्रेडिटर क्या है? तो अगर आप कल के डेट में आपको कोई पूछा कि डेटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है वो बंदा मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। जिससे मेरे को पैसा देना है, जिसको मेरे को पैसा देना है, वो बंदा मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्लियर है? अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1,00,000 रुपए का गुड्स उधारी में सेल किया, तो वो बोला कि तू मेरा डेटर है, और वो बोलते तू मेरा क्रेडिटर है। मिस्टर वाई एक्स ने मिस्टर वाई को पूछा, भाई वाई तू मुझे पैसा कब देगा? तो मिस्टर वाई बोलता है कि दे दूंगा ना यार 1-2 महीने में। मिस्टर वाई बोलता है मिस्टर एक्स को 1-2 महीने में मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। अब ये मिस्टर एक्स सोचा कि 1 महीने में देगा कि 2 महीने में देगा। फिर ये उसको फिर से पूछा कि भाई मिस्टर वाई तू मेरे को पैसा कब देगा? तो वो बोलता है दे दूंगा ना यार 2-3 महीने में। तो उसको लगा अरे यार ये बंदा को अभी मैं पूछा तो बोलता है 1-2 महीना, अब फिर पूछ रहा हूं तो कब देगा? 2-3 महीना। अब अगर और पूछ दिया तो 3-4 महीना मत बोल दे, समझ रहे हैं? तो ये मिस्टर एक्स क्या करता है, सोचता है ये बंदा मुझे पैसा नहीं देगा या कब देगा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ भाई, एक बिल ड्रॉ करता हूँ उसको, इस काम करता हूं मैं, एक बिल ड्रॉ करता हूं, और बिल पे मैं मिस्टर कौन ड्रॉ करे देखना ध्यान से ना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए 1 मिनट नहीं लगेगा पूरा चैप्टर खत्म। कौन ड्रॉ कर रहा है बिल? एक्स। एक्स कौन है? सेलर। अब डेटर क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, एक्स कौन है? सेलर। कौन ड्रॉ कर रहे हैं? सेलर। सेलर क्या कर रहे हैं? बिल ड्रॉ कर रहे हैं, एक बिल बना रहा है, और बिल पे बोल रहा है भाई ये बंदा मुझे घुमा रहा है, इससे अच्छा मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, और वो बिल पे मैं क्या करता हूं उसका नाम लिख देता हूं कि भाई मिस्टर वाई तेरे से मुझे 1,00,000 रुपए लेना है, और मैं तुझे
तू एक दो महीना बोला, दो तीन महीना बोला, मैं तेरे को 3 महीने का समय देता हूं। कितना महीने का समय दे दिया उसको? 3 महीने का। बोलता है कि मैं तेरे से, मेरे को 1,00,000 रुपए लेना है 3 महीने के बाद। वो कितने महीने का समय दे रहा है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को? 3 महीने का। और वो बिल में लिख दिया और मिस्टर वाई को बुलाया, देख भाई तेरे को जब मैं पूछा तो मेरे को एक दो महीना बोला, फिर जब तेरे को पूछा तो तू मुझे 2-3 महीना बोला। अब मैं तेरे लिए बिल ड्रॉ किया हूं, देख इसमें मैं तेरे को एक दो दो नहीं बोल रहा हूं, सीधा 3 महीने का समय दे रहा हूं। चल तू यहां पर अपना साइन कर और मैं भी यहां पर साइन कर रहा हूं। 3 महीने तक, 3 महीने तक मैं तेरे को एक शब्द भी पैसा मांगने के लिए नहीं बोलूंगा, और 3 महीने तक ना मैं तेरे को कोई डिस्टर्ब करूंगा। जैसे ड्यू डेट आएगा, जैसे 3 महीना हो जाएगा, 3 महीने बाद तू आप ही आ पाना और मेरा पैसा मुझे दे देना। बी बोला एक्सेप्ट कर दिया, बोलता है ठीक है भाई, सही बोल रहा भाई, आया और एक्स में साइन कर दिया, और साइन करने के बाद कौन रख लिया? मिस्टर एक्स अपने पास रख लिया, और मिस्टर वाई उसमें साइन कर लिया। ये जो बिल बनाया है, ये जो बिल बनाया, जैसे आप लोग चेक देखते हो, चेक सुने हो, बस वही चेक टाइप का ये बिल होता है। देखो एक एक्ट होता है, हमारे देश में क्या चलता है? लॉ चलता है, कानून, हर कानून के हिसाब से सब चीजें चलता है। तो एक एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक एक्ट बना था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 चीजें लिखा था, एक लिखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक लिखा था प्रोमिसरी नोट, और एक लिखा था चेक। ये 3 टाइप के नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब पेमेंट करने के जगह कैश के बदले, अगर आप इसको भी देते हो तो उसको जस्ट लाइक पेमेंट कहा जाता है। ये 3 चीजें को कैश के बदले अगर आप देते हो तो उसको भी एक तरीके से क्या बोला जाता है? पेमेंट बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को और चेक को। तो चेक तो आप सुनते हैं कि चेक मिलता है, आप भी चेक देखे होंगे, पेरेंट्स लोग चेक दिखाते हैं, तो वो जो चेक है उसको तो एक तरीके से बैंक में जाकर के अपन क्या कर लेते हैं? पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत चलता है। सेम वैसा ही होता है बिल, ऐसे नहीं कि अपन कागज में ड्रॉ करते और दे दिए, नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी बकायदा स्टाम्प पेपर वगैरह, वो टिकट वगैरह लगा रहता है, वो टिकट वगैरह लगा करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। अगर आपने वाय ने उसमें साइन कर दिया, इसका मतलब वाई बाउंडेड हो गया कि एक्स को पेमेंट करना है, मतलब करना है। अगर वाई ने एक्स को पेमेंट नहीं किया तो एक्स जा करके कोर्ट में इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करा सकता है और उससे वो पैसा वसूल सकता है। एक बार इसमें साइन होना मतलब उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये लीगल है। ये बिल क्या होता है? लीगल होता है। अब ये बताओ कि कौन ड्रॉ किया? मिस्टर एक्स। कौन है? सेलर। कौन साइन किया? वाई। कौन है? बायर। मतलब एक्स ने ड्रॉ किया और वाई ने उसको साइन किया, मतलब एक्सेप्ट किया। साइन करना मतलब एक्सेप्ट करना। तो मैं अगर यहाँ पर पूछूं ड्रॉवर कौन है, तो ड्रॉवर मतलब क्या कहलाएगा? जो बनाया है, जो ड्रॉ किया, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है? मिस्टर एक्स। ड्रॉई कौन है? जो एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं मिस्टर वाई। ड्रॉई बोलो चाहे पेई बोलो, ड्रॉई बोलो चाहे पेई बोलो। तो आप वर्ड कहीं सुने होंगे आपके स्कूल में कि मिस्टर मतलब ड्रॉवर, ड्रॉई, तो ड्रॉवर ड्रॉई अगर क्लियर नहीं होगा तो आप समझ आया। ड्रॉवर मतलब कौन? जो बनाया। बिल कौन बनाया होगा? सेलर। मतलब कभी भी ड्रॉवर वर्ड सुनते ही सेलर वर्ड आना चाहिए। ड्रॉवर कौन होता है? सेलर। और ड्रॉई कौन होता है? बायर। क्लियर है? तो अब ड्रॉवर के बुक में एंट्री करो करके क्वेश्चन आता है, मतलब सेलर के बुक में एंट्री करना है, और ड्रॉई के बुक में एंट्री करो बोलो चाहे पेई बोलो चाहे ड्रॉई बोलो, दोनों सेम है। ड्रॉई के बुक में एंट्री करो चाहे पेई के बुक में एंट्री करो बोलो, मतलब बायर के बुक में। अब क्लियर है? yes. पक्का? yes. मतलब आपको यहाँ पास से 2-3 क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई ड्रॉवर कौन होता है, तो जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। अब बिल कौन बनाता है? सेलर। yes. बिल बनाता है, बिल इशू करता है, उसको ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है फॉर्म में पेमेंट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं। और ये पूरा इसी से हमको क्या करना रहता है? अब ये ड्रॉवर ड्रॉ किया, वो बिल को एक्सेप्ट किया, अब वो ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट में उसको पेमेंट करेगा, ड्यू डेट कैसे निकलेगा, ये सब चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो बिल बनाया, बिल बना करके मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बिल रखा,
तो मिस्टर एक्स बोलेगा मिस्टर वाई से मुझे पैसा लेना है, इस बिल से रिकवर करना, इसलिए बिल रिसीवेबल बोलेगा। वो क्या बोलेगा मिस्टर एक्स उसको क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल, उससे रिसीव करना है, इस बिल के बदले उससे पेमेंट लेना है, इसलिए उसको बोलेगा बिल रिसीवेबल। और वाई बोलेगा भाई मेरे को एक्स को पेमेंट करना है बिल्स पेबल। क्या बोलेगा, बिल्स पेबल। वर्ड समझ आया। एक्स के लिए वो बिल क्या बन रहा है, बिल रिसीवेबल, वो बिल के बदले उसके पास पेमेंट आने वाला है, इसलिए उसको वो बिल रिसीवेबल बोला। वाई को उस बिल के बदले पेमेंट करने वाला है, इसलिए उसको बोलता है बिल्स पेबल, कल के डेट पे इस बिल के बदले मुझे क्या करना है, पेमेंट देना है, इसलिए वो बिल्स पेबल बोलता है। सेलर के लिए बिल रिसीवेबल होता है, बायर के लिए बिल्स पेबल होता है। क्लियर है, पक्का? ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मिस्टर एक्स, अब यहां पर मिस्टर ए ले रहे, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड गया 1 जनवरी 2020 को क्रेडिट पे 2,00,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, क्रेडिट पे मिस्टर एक्स ने ये सेलर लिख दिया और ये बायर, और मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ बाद क्या बोल रहा है कि तू मुझे पेमेंट करना। कौन ड्रॉ किया होगा, ए ने, मिस्टर ए ने, मतलब मिस्टर ए कौन है, ड्रॉवर। ठीक है, मिस्टर बी क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन गया, उसका ड्रॉइंग बन गया। कब इसने गुड सेल किया, 1 जनवरी 2020 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किया, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया और उसको मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसे 3 महीना होगा भाई आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप एक काम करो, दोनों के बुक में, बोथ दोनों के बुक में आपको जनरल एंट्री बनाना है। बस हमारा क्वेश्चन क्या आता है, दोनों के बुक में जनरल एंट्री हमको प्रिपेयर करना, ये तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हुआ, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन 1st जनवरी 2020 फॉर क्रेडिट अमाउंट ₹2,00,000 एंड ड्रॉ एंड ऑन द सेम डेट मिस्टर ए ड्रॉ अ बिल फॉर ₹2,00,000 एंड मिस्टर बी एक्सेप्ट द बिल टिल द मैच्योरिटी ड्यू अमाउंट पेबल। टिल द मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या होता है, बिल का अमाउंट पेबल होता है। पास जर्नल एंट्री, यही तो क्वेश्चन अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, बस यही क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2020 को उसने बिल ड्रॉ किया और बोला 1 जनवरी के बाद तू मुझे कब देगा, 3 मंथ बाद पेमेंट करेगा। तो ड्यू डेट निकालना, सबसे पहले हमको ड्यू डेट निकालना होता है। तो ये तो आपका ड्रॉ का डेट है, बिल कितने मंथ का है, 3 मंथ, है ना। ये जो बीच वाला फिगर होता है ये जनवरी मंथ बता रहा है, इसमें 3 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 4। ये 1/4/2020, ये 1/4/2020, ये 1/4/2020 को मैच्योरिटी डेट बोलेंगे। और क्वेश्चन बोलता है आपको कि अगर 1/4/3 को वो बंदा पेमेंट नहीं देता तो उसको 3 दिन का लीगल रूप से 3 डेज और दे देना ग्रेस के नाम से, 3 दिन उसको ग्रेस डे और दे देना। अगर वो 1/4 को पेमेंट नहीं करा तो उसको बोलना कि 3 दिन और, 3 दिन का और समय दे रहा हूं कि 3 दिन के अंदर तू मुझे पेमेंट कर देना। तो हर चीज में 3 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अप्रैल 2020। अब ये 3 दिन, दिन वाला कौन सा होता है, सामने वाला होता है। अब 1 तारीख को लेना था 1 अप्रैल से, उसको 3 दिन और टाइम दे दिया तो कितना दिन मिल गया उसको, 4। लास्ट डेट उसका कब कहलाएगा, ड्यू डेट, उसका ड्यू डेट कहलाएगा 4 अप्रैल 2020। अगर वो 4 अप्रैल 2020 तक मुझे पेमेंट कर दिया तो उस बहुत अच्छी बात है, और 4 को अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो मैं भाई जाकर के पुलिस के पास उससे पैसा लेने का अधिकार है। क्लियर है, तो ड्यू डेट कैसे निकाल रहे, समझ आ रहा है। ड्यू डेट कभी भी, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यू डेट, आपको ड्यू डेट निकालना है। सही दिन पे आपको एंट्री तो सीख जाओगे, देखना हर किसी में एंट्री सेम रहेगा, मेन चीज होगा ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकाले, हमको बोला कि भाई 3 मंथ, तो 3 मंथ में हमने क्या किया, 1 जनवरी था, 1 जनवरी 2020, 3 मंथ, तो
चार तारीख उसमें प्लस कर दिए तो आ गया 1 अप्रैल 2020, और उसमें 3 दिन और जोड़ दिए तो कितना आ गया 4/4/2020। अगर मेरा क्वेश्चन रहता कि तू 30 जनवरी को सेल किया है, 31 जनवरी 2020 क्वेश्चन रहता, 31 जनवरी 2020, और बोलता 3 मंथ बिल, जनवरी में एक आएगा ना, यहाँ पास एक आ जाएगा 31। क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि अगर आप 31 जनवरी 2020 को गुड्स सोल्ड किए हैं और बिल ड्रॉ किए हैं 3 मंथ का, कब का 3 मंथ का, तो आप बताओ ड्यू डेट कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो एक दिख रहा है यही मेरा मंथ वाला होता है, तो ये मंथ वाला होता है तो उसमें 3 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो अप्रैल में, अप्रैल का लास्ट कब रहता है, अप्रैल में 31 दिन नहीं होता, अप्रैल में कितना दिन होता है 30 दिन होता है, तो यहां पर लिखूंगा 30 अप्रैल 2020, समझ रहे हैं। अब 30 अप्रैल 2020 में प्लस कर दूंगा 3 दिन तो कितना आ जाएगा, अब अप्रैल के बाद तो मई आता है तो डेट आएगा 3 मई 2020, 3 दिन प्लस हो जाएगा ना, 1 2 3 मई, तो 3 मई 2020, समझ आ रहा है ड्यू डेट निकालना, पक्का क्लियर है। ये ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब और क्लू दे रहा हूं आपको, जब मंथ के स्टार्टिंग हुआ, जब मंथ के स्टार्टिंग में था तो ड्यू डेट हमेशा 4 तारीख आएगा, महीना तो आप गिन लेना, जब मंथ का स्टार्टिंग 1 तारीख को अगर बिल ड्रॉ हुआ है तो पक्का 4 तारीख उसका ड्यू डेट रहेगा, महीना जितना बोले रहेगा प्लस कर देना। और कभी भी क्लोजिंग डेट पे, मंथ के क्लोजिंग डेट, देखा 31 लिखा 31 जनवरी, कभी भी मंथ के क्लोजिंग डेट रहता है तो आपका ड्यू डेट हमेशा 3 तारीख होगा, कोई भी समय ले लो आप, हमेशा कब रहेगा 3 तारीख। तो या तो 4 तारीख पड़ेगा ड्यू डेट, या तो 3 तारीख पड़ेगा जब मंथ के फर्स्ट और क्लोजिंग रहा तो, और फिर आपका मंथ को तो आप प्लस कर लोगे डायरेक्ट, क्लियर है। अगर मेरा क्वेश्चन बोलेगा कि आप 15 जनवरी 2020 को आपने बिल ड्रॉ किया 2 मंथ के लिए, 2 मंथ, तो अब इसका बिल ड्रॉ के लिए, अब यहां पास 1 तारीख है, 1 जनवरी, तो जनवरी में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा मार्च, तो यहां पास डेट फिर भाई लिख दूंगा 15 20, अब इसमें 3 दिन प्लस कर दो 18 15 3 18, समझ रहे हैं, तो 18 मार्च 2020 निकल जाएगा ड्यू डेट। आपको इसको रफ में लिखना है, दिखाना नहीं है वर्किंग नोट, आपको ड्यू डेट निकालने के लिए अलग अलग डेट बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं कि आप कैसे निकालोगे, गलत नहीं होगा, क्लियर है। जब भी मंथ का बात करते हैं ना तो मंथ से होता है, कभी भी अगर डेज का बात किया जाए तो देखो डेज में ऐसा लिखा रहता, अब यहीं पास इसको लिखा ना 15/1/2020 को मैंने बिल ड्रॉ किया 2 महीने के लिए, तो मैं ड्यू डेट कितना निकाल दिया 18 मार्च 2020। अगर क्वेश्चन बोलता कि 60 दिन के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, कितने दिन के लिए 60 दिन, 2 महीना को 60 दिन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? आप महीने का बात करें करके 18 मार्च आ गया, यहाँ पास 60 डेज बात किया है, और डेज और मंथ में डिफरेंट होता है, डेज अलग होता है मंथ अलग होता है, मंथ में आपका चाहे 30 का महीना पूरा हो, चाहे 31 का, चाहे 28 का, मंथ काउंट होता है, समझ रहे हैं? लेकिन डेज का मतलब होता है दिन, और 60 दिन मतलब आप अगर जनवरी और फरवरी का मिलाते हो तो जनवरी और फरवरी में टोटल कितना दिन होता है, 31 जनवरी का होता है और 28 फरवरी का होता है, टोटल 59 डेज होता है, समझ रहे हैं? 60 दिन भी नहीं होता, 2 महीना भी नहीं होता वो, तो देखो 59 डेज, लेकिन उसको मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 2 महीना, लेकिन दिन देखो कितना और है 59। आप जुलाई और अगस्त को देख लो, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, टोटल 62 डेज हो रहे हैं, लेकिन महीना में अगर गिने तो मंथ कहलाएगा, और डेज में कितना और है 62 डेज, समझ रहे हैं? इसलिए अगर यहाँ पर मंथ बोला है तो मंथ में तो निकाल लिए, अगर डेज बोलेगा तो डेज में कैसे निकलता है प्लीज ध्यान देना। अगर 15 जनवरी 2020 को बिल ड्रॉ हुआ है 60 दिन के लिए, तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ रहता है उस दिन को छोड़ देते हैं, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उस दिन छोड़ दिए। अब बताओ जनवरी टोटल कितने दिन का होता है,
31, 31 का होता है, 31 में 15 को माइनस कर दो तो कितना दिन बचा, 16 दिन, मतलब जनवरी में 16 दिन, तो 16 दिन बचे हैं, तो हमको 60 दिन निकालना है, समझ रहे, तो 60 में 16 माइनस करो, 60 डेज है ना, तो 60 में 16 दिन जनवरी का अभी निकाले, 16 दिन बचे हैं, तो 60 में 16 दिन जनवरी बच गया, तो बचा कितना यहाँ पास, 44, फिर फरवरी आएगा, फरवरी में कितने दिन होता है, 28, तो 28 इसमें माइनस कर दो, तो 44 में 28 माइनस होने से कितना बचेगा, 16, तो 16 मार्च, समझ रहे हैं, और 16 में 3 दिन प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 19 मार्च, कितना आ रहा है, 19 मार्च। अब देखो एक एक दिन फर्क होता है, 18 मार्च आया था जब मंथ के हिसाब से, और अभी देखो कितना आ रहा है, 19 मार्च। और आप लोग अगर डेज को मंथ में कैलकुलेट करके आपने 18 मार्च को एंट्री कर दिया और आना कब था 19 मार्च को, तो कौन नंबर देगा, समझ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है कि ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है। मंथ वाइज दिया सबसे इजी, मंथ में क्या करना है, सीधा मंथ का जो दिया रहेगा उस मंथ से उस मंथ को प्लस करने का और 3 दिन उसमें जोड़ने का, बन जाएगा। लेकिन डेज में दिया है तो डेज में पहले चेक करना कि कितना आपको चेक करना, जैसे हमने 15 जनवरी लिखा था 60 दिन का था, तो जिस दिन दिया रहता है उस दिन को छोड़ देते हैं, तो जनवरी हमारा टोटल कितना दिन बचा, 16 दिन। अब 60 दिन में 16 दिन हट गया तो 44 डेज, तो 44 डेज में फरवरी का 28 दिन को भी माइनस कर दिए तो कितना दिन बचा, 16 दिन, तो 16 मार्च आता है, मार्च में 16 तारीख और 16 में 3 दिन और प्लस कर दिए तो 19 मार्च निकालते बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, पक्का। अब जनरल एंट्री, फिर जनरल एंट्री एकदम इजी है, बस यही समझना था ड्यू डेट, क्लियर है, पक्का। एक दो मिनट का मस्ती कर लो नहीं तो सो जाओगे। लिखे क्वेश्चन, लिखे मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑन 1st January, 1st April लिखना है, 1st April 2020 फॉर ऑफ रुपीज 1 lakh टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू गुड्स ऑन 1st April 2020 ऑफ रुपीज 1 lakh टू मिस्टर वाई। ऑन द सेम डेट मिस्टर एक्स ड्रॉ अ बिल, मिस्टर एक्स ड्रॉ अ बिल ऑफ रुपीज 1 lakh टू मिस्टर वाई एंड मिस्टर वाई एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू एक्स, फुल स्टॉप, रिटर्न टू एक्स, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे मिस्टर एक्स रिटेन RETAIN रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। And Mr. Y meet the bill. Pass journal entry in the books of
मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों के बुक में हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। अब क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्लियर है। मिस्टर एक्स गुड सोल्ड कर रहे हैं मिस्टर वाई को 1,00,000 रुपए का, कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 को, और उसी दिन जिस दिन बेचा उसी दिन उसने बिल ड्रॉ कर दिया 1,00,000 रुपए का मिस्टर वाई के लिए, और मिस्टर वाई उस बिल को एक्सेप्ट भी कर दिया और रिटर्न कर दिया मिस्टर एक्स को, एक्सेप्ट करके मिस्टर एक्स को वापिस दिया। मिस्टर एक्स उसको रिटेन रखा है, रिटर्न मतलब देना होता है, रिटेन मतलब संभाल के रखना। मिस्टर एक्स उसको संभाल के रखा टिल द ड्यू डेट, जब उसका ड्यू डेट आया तब तक। अरे बिल ड्रॉ हुआ 3 मंथ नहीं लिख पाया क्या, मिस्टर एक्स ड्रॉ बिल फॉर 3 मंथ लिखना है, फॉर 3 मंथ ऑफ रुपीज, या बिल के बाद ना फॉर 3 मंथ लिख देना, ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए मिस्टर वाय ने 1,00,000 रुपए का मिस्टर एक्स ने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है, और मिस्टर वाय ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, और मिस्टर एक्स ने उसको ड्यू डेट तक रिटेन रखा, और जैसे ड्यू डेट आया मिस्टर वाय ने भी उसका पेमेंट भी कर दिया। बोल रहे हैं मिस्टर वाय मेट द बिल, मेट द बिल इसका मतलब ड्यू डेट में उसने उसको पेमेंट दे भी दिया, और उस दोनों के बुक में हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। अब ड्यू डेट बता सकते हो क्या आएगा, ड्यू डेट आप लोग बताओ कि ड्यू डेट कब पेमेंट किया होगा, ड्यू डेट निकालो क्या आएगा, मंथ के हिसाब से ही तो ड्रॉ हुआ है क्या, क्वेश्चन जो बोलेगा उसमें निकालेंगे कितना, 4/7/2020, 3 दिन हमेशा जोड़ना है, 4/7/2020 निकाल पाए 4/7, क्योंकि देखो 4 यहाँ पास पहले दिया है, अप्रैल का महीना है तो अप्रैल में 4 दिया हुआ है, और 3 महीने और जोड़ना है तो 4 में प्लस कर दो 3 तो कितना हो गया 7, और यहाँ 1 में प्लस कर दो 3, दोनों में 3-3 ही प्लस करना है, तो इधर कितना हो गया 4/7/2020 निकल जाएगा पक्का, मतलब 4/7/2020 को मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दिया। अब एंट्री कैसे होगा प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, रटना नहीं है समझना है, एंट्री कैसे होगा ध्यान से देखना, दोनों के बुक्स में एक साथ मैं एंट्री करके बता रहा हूं, एक एक चीज आप अच्छे से देखना। यहां पर लिखूंगा मिस्टर एक्स के बुक में और यहां लिखूंगा मिस्टर वाई के बुक में। मिस्टर एक अप्रैल 2020 को मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बुक्स बेच रहा है ना, सेल कर रहे हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बुक्स सेल कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो भाई ये बेच रहे किसको, मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई को मिल रहा है, तो एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे, जितने का बेचा 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पास ये एंट्री सेल करने का हो गया, बींग गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, बींग गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, नरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बींग गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई। तो भाई मिस्टर वाई 1 अप्रैल 2020 को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, किससे, मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर वाई के पास गुड्स आ रहे हैं वो परचेस कर रहे, तो एंट्री लिखेगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, टू मिस्टर एक्स, केस लिखेंगे तो फिर बिल क्यों ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मिस्टर एक्स अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, बींग गुड्स परचेस टू मिस्टर एक्स, नरेशन क्लियर है, दोनों 1 तारीख को हुआ है, यहां तक क्लियर है, ठीक। उसके बाद उसी सेम डेट लिखा था क्वेश्चन में, सेम डेट मतलब 1 अप्रैल 2020 को ही मिस्टर एक्स ने बिल ड्रॉ किया, और बिल ड्रॉ किया तो ये एंट्री लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, सेलर के बिल रिसीवेबल है, तो एंट्री लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर वाई टू वाई, बिल रिसीवेबल, बिल के बदले पेमेंट लेने किससे, मिस्टर वाई से, बींग बिल ड्रॉ, यहां पर नरेशन होगा बींग बिल ड्रॉ, बिल यहां पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। और यहां पर उसी सेम डेट को 1 अप्रैल 2020 को मिस्टर वाई के पास बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो यहां पर एंट्री लिखेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स
पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देखो वो बिल रिसीवेबल लिखेगा, ये बिल्स पेबल लिखेगा, बिल के बदले इसको पेमेंट करने, इसलिए बिल्स पेबल लिखेगा। बिंग बिल ड्रॉ, यहाँ पर क्या एंट्री होगा, बिंग बिल ड्रॉ, दोनों साइड बिल ड्रॉ होने के कारण ये एंट्री हुआ, ठीक है। अब ये दो एंट्री के बाद कुछ भी नहीं होगा, सीधा ड्यू डेट आएगा, और ड्यू डेट हमने निकाल दिया, ड्यू डेट कितना आया, 4/7/2020, मिस्टर एक्स को पेमेंट मिल गया बिल के बदले, वो गया 4/7/2020 हुआ, बिल दिखाया, भाई ये देख साइन किया था, पैसा दे, उसे अच्छा ठीक है भाई ये ले, अब वो उसको पैसा दिया, तो मिस्टर एक्स के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, किसके बदले पैसा आया, बिल रिसीवेबल के बदले, अमाउंट यहाँ पर 1-1 लाख आएगा ना, दोनों को यहाँ भी 1 लाख और यहाँ भी 1 लाख, समझ पा रहे हैं। अब ये भाई पेमेंट किया है बिल के बदले, तो यहाँ पर एंट्री होगा बिल्स पेबल डेबिट टू कैश, बिल पेबल, बिल के बदले उसने पेमेंट किया, तो बिल पेबल डेबिट टू एक्स कैश 1 लाख रुपए, बस ये तीन तीन एंट्री दोनों के बुक में होना था, यही हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्लियर है। सॉल्यूशन करके इसका जर्नल एंट्री पास करो, फॉर्मेट, फॉर्मेट हमारा जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है भाई,